हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और 2018 की शुरुआत हो चुकी है और साथ ही साथ हम सब लोग वेट कर रहे हैं नए फोन्स के आने का, क्योंकि स्मार्टफोन टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है कहीं ना कहीं वो इतनी तेज़ी से चेंज होती है कि आज के टाइम पे हमें लगता है कि नया स्मार्टफोन आए उसमें नया फीचर आए और जैसे ही वो आ जाए हमें फटाफट वो मिल जाए। तो इसीलिए आज हम बात करेंगे स्मार्टफोन जो कि आने वाले हैं 2018 में, 7 ऐसे स्मार्टफोन जिनका आपको हर हालत में वेट करना चाहिए। और अगर आपको इनमें से कोई भी एक फ़ोन का वेट है तो फिलहाल कोई भी परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, चाहे कैसी भी सेल आ जाए। तो शुरुआत करते हैं इन स्मार्टफोन्स के बारे में बताने की। और सबसे पहले जो मैं बात करूंगा यहाँ पे जो फोन आने वाला है Xiaomi की तरफ से, जी हाँ Xiaomi की तरफ से Redmi 5 और Redmi 5 Plus इंडिया में लॉन्च होने वाले हैं। जनवरी के अंदर ये फोन लॉन्च हो जाएंगे, चाइना में ये फोन आ चुके हैं। अगर मैं बात करूं Redmi 5 की तो Redmi 5 रिप्लेस करेगा Redmi Note 4 का प्राइस ब्रैकेट, यानी कि तकरीबन 10,000 से शुरू होके ये जाएगा अप्रोक्सीमेटली 12,000 से 13,000 रुपए तक, और ऐसे में हो सकता है थोड़ा उससे ऊपर भी चला जाए। लेकिन इस फोन के अंदर आपको अब मिलेगा 5.7 इंच डिस्प्ले जो कि एक बड़ा डिस्प्ले होगा, और साथ ही साथ 18:9 डिस्प्ले भी मिल जाएगा आपके Xiaomi फोन्स के अंदर। अब हम बात करें हार्डवेयर की तो हार्डवेयर यहां पे इंप्रूव होगा स्नैपड्रैगन 450 जो कि Redmi 5 में मिलेगा, जबकि Redmi 5 Plus में आपको स्नैपड्रैगन 625 ही मिलेगा। साथ ही साथ इन दोनों फोन्स के अंदर आपको बड़ा डिस्प्ले और 18:9 डिस्प्ले मिल जाएगा। इसके बाद जो अगला फोन है जो कि बहुत जल्द जनवरी में ही आ जाएंगे, और ये दो फोन है, एक का नाम है Samsung S9, दूसरे का नाम है Samsung S9 Plus। तो S9 Plus में इस बार डुअल कैमरा आपको मिल जाएंगे, S9 थोड़ा सा इम्प्रूव होगा, S8 से कुछ डिजाइन चेंजेस वहां पे किए जाएंगे, अदरवाइज सब कुछ सेम रहेगा, बहुत ज्यादा कुछ फर्क नहीं होगा। और S9 Plus में डुअल कैमरा आ जाएंगे, तो ऐसे में S9 Plus डुअल कैमरा के साथ मिल जाएगा आपको, कुछ वैसे ही कैमरास मिलेंगे जैसे आपको मिलते हैं Samsung Note 8 में। इसके बाद हम बात करें एक और फोन जो कि आएगा 2018 में बहुत जल्द, वो है Nokia 7। फाइनली Nokia 7 आ जाएगा और Nokia 7 बहुत जल्द लॉन्च होगा, यानी कि जनवरी के अंदर ये फोन लॉन्च हो जाना चाहिए इंडिया में। ग्लोबली ये फोन आ चुका है और ये फोन आएगा Snapdragon 630 के साथ, यानी कि Nokia की तरफ से ये एक ऐसा प्रोसेसर होगा जो कि आपको अभी तक शायद नहीं मिल पाया इतनी आसानी से। तो Nokia 7 आपको मिल जाएगा और इसकी प्राइस सेगमेंट हो सकती है 20,000 से 22,000 या फिर उससे भी ऊपर। इसमें मिलेगा आपको 5.2 इंच का डिस्प्ले जो कि छोटा डिस्प्ले रहेगा, लेकिन Nokia अपनी ब्रांड वैल्यू के ऊपर खेलते हुए इस फोन को कम डिस्प्ले के साथ बेहतर हार्डवेयर के साथ लॉन्च करेगा। और 4GB रैम मिलेगी इसमें आपको, जबकि 64GB इंटरनल स्टोरेज मिल सकती है Nokia 7 में। इसके बाद बात करते हैं एक और फोन की जो है Xiaomi की तरफ से, जिसका नाम है Xiaomi S11। इस फोन के अंदर आपको MediaTek का चिपसेट मिलेगा और ओवरऑल फीचर वाइज डिस्प्ले वाइज इसमें 18:9 डिस्प्ले मिल जाएगा, और साथ ही साथ डुअल कैमरा भी मिलेंगे आपको Xiaomi S11 में। तो पूरी कोशिश करेगा Xiaomi अपना पूरा पोर्टफोलियो को रिवैम्प करने का इस फोन के साथ। इसके बाद जो बाकी फोन्स हैं जो कि आने वाले हैं उनमें से कुछ तो आपको पता ही है, जैसे कि Honor V10 8 तारीख को यानी कि जनवरी 8 को उसकी बुकिंग शुरू हो जाएगी। इसमें आपको Kirin 970 वाला प्रोसेसर मिलता है जिसमें Cortex A73 मिल रहा है, तो काफी अच्छा फोन है, कैमरा की परफॉर्मेंस अच्छी है, सेल्फी की क्लैरिटी अच्छी है, और यहाँ पे आपको कस्टम यूआई वाला ये फ्लैगशिप फोन थोड़ा महंगा मिलेगा। तो एक ही चीज इस फोन के बारे में लग रहा है कि वो इतनी अच्छी नहीं होगी, वो है इसकी प्राइस, अदरवाइज ये फोन अच्छा है, हमने यूज किया है, अनबॉक्स भी कर दिया है, अनबॉक्सिंग का लिंक मैं यहाँ पे आपको दे दूंगा। एक और फोन जो यहाँ पे आएगा 2018 में जिसका सभी को वेट है वो है OnePlus 6, जिसमें आपको मिलेगा Snapdragon 845, यानी कि Snapdragon 845 वाला ये फोन होने वाला है, और ऐसे में S9 में भी आपको मिल सकता है Snapdragon 845, बाकी पता चलेगा जैसे वो लॉन्च होता है ग्लोबली। इसके बाद एक और फोन है जो कि Nokia की तरफ से आने वाला है, Nokia 9 में जिस तरह की लीक्स आ रही है उसके हिसाब से Snapdragon 835 ही आपको मिलेगा, और डुअल कैमरा भी 5 मेगापिक्सल का हो सकता है पीछे की तरफ। तो कहीं ना कहीं Nokia कुछ अलग तरीके से कुछ अलग करने की कोशिश कर रहा है, पुराने हार्डवेयर के साथ भी Nokia ये प्रूव करना चाह रहा है कि ये फ़ोन बेहतर हैं और लेटेस्ट फ्लैगशिप फोन्स या फिर फ्लैगशिप किलर फोन से कम्पीट कर सकते हैं, जबकि ऐसा करना मुश्किल है, कहना आसान है,
कहीं ना कहीं यही चीजें हमें अभी तक दिखी हैं 2017 में जो नोकिया के फोन्स लॉन्च हुए हैं। तो यही सारे फोन थे जिनका आपको वेट करना चाहिए 2018 में। जनवरी में कुछ फोन लॉन्च हो जाएंगे इनमें से और कुछ आएंगे उसके बाद। आप लोग बताइए कि आप लोगों का क्या कहना है, क्या कोई ऐसा फोन है जिसका आप वेट कर रहे हैं जिसके बारे में मैंने नहीं बताया इस वीडियो में, तो लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में। और अगर आप चाहते हैं कि उसके बारे में हम वीडियो बनाएं तो वो भी हम बनाएंगे। फिलहाल वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।